नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत ने गढ़वा जिला को 797 करोड़ की दी सौगात। झारखंड को खनिज संपदा के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन अब पर्यटन के रूप में इस राज्य को अलग पहचान दिलाने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पर्यटक स्थलों को संरक्षित और विकसित कर रहे हैं। इस कड़ी में राज्य के धार्मिक स्थलों का सर्किट बनाया जाएगा। सभी प्रमुख धार्मिक स्थल इससे जोड़े जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हम बेहतर से बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करा सके। हमारी कोशिश है कि विश्व के टूरिज्म मैप पर झारखंड को भी एक अलग पहचान दिलाया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंशीधर नगर गढ़वा में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष श्री बंशीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है। आने वाले वर्षों में इस महोत्सव को और भव्य देने का काम करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें अपनी कला संस्कृति और परंपरा को इतना मजबूत करना चाहिए ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी इसे कोई तोड़ नहीं सके। इसी सोच के साथ धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए लगातार योजनाएं बनाए जा रहे हैं। बता दें, राजधानी रांची में तपोवन मंदिर के विकास पर भी 14 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं। गांवों और प्रखंडों का दौरा करेंगे राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन की बजाय सुदूर गांवों और प्रखंडों में जाकर विकास की जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इसका कार्यक्रम तैयार करें। जमीनी हकीकत देखने के बाद विकास का रोडमैप तैयार करने में उन्हें सहूलियत होगी। अपनी बात से उन्होंने राज्य सरकार को भी अवगत करा दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 5-5 दिन के हिसाब से उनका कार्यक्रम तैयार करें। राज्यपाल से विमर्श के बाद उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। काफ़ी कम समय में ही वे राज्य के कई शहरों का दौरा कर चुके हैं। वे लगातार कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गाँव में सिंचाई, परिवहन आदि को लेकर समस्याएं हैं। इस परिस्थिति में बदलाव किया जा सकता है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के हैं। बता दें, हिंदी में बातचीत में परेशानी को वे अक्सर मुलाकातों के दौरान व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि स्थानीय भाषा में बातचीत का अपना महत्व है। वे इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी सीख रहे हैं। झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के मामले में हाई कोर्ट सख्त। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर हल निकालने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि अगर 1 सप्ताह में मामले का हल नहीं निकाला तो विधानसभा अध्यक्ष के सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर मामले की जानकारी देने होंगे। बता दें, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली होने की वजह से कई आयोग डिफॉल्ट अवस्था में है। राज्य के सूचना आयोग, महिला आयोग समेत अन्य आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसको लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के सचिव को 1 सप्ताह के भीतर नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के चुनाव का हल करने का निर्देश दिया है। साहेबगंज में रूबिका हत्याकांड जैसा एक और मर्डर। साहेबगंज में फिर से रूबिका हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। चटकी गांव के जंगल से मानव खोपड़ी और शरीर के अंग टुकड़ों में मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये शव लापता आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका का हो सकता है, क्योंकि घटनास्थल से सेविका के कपड़े मिले हैं। जानकारी के अनुसार चटकी जंगल में कई टुकड़ों में मानव शरीर और एक खोपड़ी मिली है। वहीं खून से सना नाइटी, चप्पल, बाल और बाइक की चाबी मिली है। ये कपड़े लापता आंगनवाड़ी सेविका के हैं। हालांकि सब आंगनवाड़ी सेविका का ही है, ये जांच का विषय है। बता दें कि 27 अप्रैल से बोरियो प्रखंड के बांझी चटकी आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका मालोती सोरेन लापता थी। उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही थी। नगर निकाय चुनाव में देरी से झारखंड को 1600 करोड़ का नुकसान। झारखंड में नगर निकायों का चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो सकता है। चुनाव कराने में विलंब के कारण 15वें वित्त आयोग की मदद से वंचित होना पड़ सकता है। शहरी निकायों के विकास के लिए आयोग से लगभग 1600 करोड़ रुपये पर झारखंड का दावा है, लेकिन तय समय पर चुनाव नहीं होने से वित्त आयोग द्वारा मिलने वाली सहायता पर रोक लगाई जा सकती है। मालूम हो कि राज्य के 13 नगर निकायों में 3 वर्षों से चुनाव लंबित है। वहीं 34 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल इसी साल अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा है। बता दें, संविधान अधिनियम 1992 में स्पष्ट बताया गया है कि राज्यों में स्थानीय निकाय कई कारणों से कमजोर और अप्रभावी हो गए हैं। इन कारणों में नियमित चुनाव कराने में विफलता और लंबे समय तक शक्तियों व कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण शामिल हैं।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरजू राय को भेजा मानहानि का नोटिस। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कथित वीडियो वायरल और प्रतिबंधित पिस्टल रखने के आरोप लगाने के मामले में विधायक सरजू राय के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है। मंत्री के वकील प्रकाश झा ने विधायक सरजू राय को नोटिस भेजकर 3 दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। बता दें कि पिछले कुछ समय से मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरजू राय के बीच वाक युद्ध चरम पर है। मंत्री बन्ना गुप्ता के वकील प्रकाश झा द्वारा भेजे गए मानहानि के नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि विधायक सरजू राय उनके वकील बन्ना गुप्ता के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण मंत्री बन्ना गुप्ता की राजनीति और सामाजिक छवि खराब हो रही है। बन्ना गुप्ता के नोटिस का सरजू राय ने कहा कोर्ट जाने की दी चुनौती। जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरजू राय और बन्ना गुप्ता के बीच वार और पलटवार जारी है। वर्तमान में प्रतिबंधित पिस्टल रखने के मामले में सरजू राय को मानहानि का नोटिस भेजा है। बता दें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और निर्दलीय विधायक सरजू राय के बीच का विवाद दिन ब दिन गहराता जा रहा है। प्रतिबंधित पिस्टल रखने के सरजू राय के आरोप पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने अधिवक्ता प्रकाश कुमार झा के माध्यम से उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। इस पर सरजू राय ने जवाब सार्वजनिक किया है। उन्होंने नोटिस के साथ साथ ग्लॉक पिस्टल क्यों प्रतिबंधित है इससे जुड़ा भारत सरकार का सर्कुलर साझा किया है। IAS छवि रंजन से गुरुवार को दूसरी बार ईडी करेगी पूछताछ। रांची के DC रहे छवि रंजन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को एक बार फिर से सेना जमीन घोटाले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी। बता दें रांची में हुए जमीन घोटाले की परत दर परत खंगाल रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को एक बार फिर से ईडी के सामने रांची के पूर्व DC IAS अधिकारी छवि रंजन होंगे। ईडी गुरुवार को दूसरी बार छवि रंजन से पूछताछ करेगी। इस मामले में ईडी की टीम ने मंगलवार को कोलकाता के रजिस्ट्री ऑफिस के एडिशनल रजिस्ट्रार से पूछताछ कर चुकी है। बंशीधर महोत्सव को लेकर सांसद BD राम के आरोपों को कांग्रेस झामो ने बताया बेबुनियाद। बंशीधर महोत्सव से ठीक एक दिन पहले पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को महोत्सव से अलग कर लिया था। इस पर झामो और कांग्रेस नेता ने सांसद के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए प्रतिक्रिया दी है। पलामू से भाजपा सांसद BD राम ने बंशीधर महोत्सव को लेकर प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए खुद को महोत्सव से अलग करने की घोषणा की थी। BD राम का आरोप था कि राजकीय महोत्सव के नाम पर जिला प्रशासन ने बिना पार्टी सिंबल और चुनाव चिन्ह वाले उनके बैनर पोस्टर की भी हटा दी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बैनर वाला पोस्टर प्रशासन को नहीं दिखा। भाजपा सांसद के आरोप को झामो और कांग्रेस नेताओं ने बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि अब BJP के पास सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने का ही काम बचा है। भारत सरकार झारखंड के 9 जिलों को भूमि सम्मान से सम्मानित करेगी। भूमि संबंधी राइट ऑफ रिकॉर्ड का बेहतर ढंग से डिजिटलाइजेशन करने वाले जिलों को भारत सरकार भूमि सम्मान से सम्मानित करेगी। इसके लिए देश भर के 75 जिलों का भारत सरकार ने चयन किया है, जिसमें झारखंड के 9 जिले शामिल हैं। इन 9 जिलों में 99% से अधिक राइट ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें सेल डीड, खतियान एवं अन्य भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। इन जिलों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए केंद्र सरकार की टीम ने मंगलवार को झारखंड का दौरा किया।